फोन साइलेंट पे प्लीज जी। रेडी है पीछे? अच्छा जी, थैंक यू जी, हम स्टार्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप सबका कि आपने हमें ज्वाइन किया पोस्ट इवेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस। अंडर 19 पाकिस्तान क्रिकेट टीम जिसने आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप, अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में हिस्सा लिया साउथ अफ्रीका में, तीसरी पोजीशन पाकिस्तान ने इस टूर्नामेंट में हासिल की। और कल रात पाकिस्तान के प्लेयर्स और मैनेजमेंट वापस वतन पहुँच गए हैं और प्लेयर्स ने अपनी रिस्पेक्टिव डेस्टिनेशन पर चले गए थे, लाहौर, कराची, पेशावर एक्सेट्रा। प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ करेंगे, सबसे पहले हेड कोच इजाज़ अहमद अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट देंगे, उसके बाद कप्तान रोहेल नज़ीर अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट देंगे, फिर हम आपसे सवाल लेंगे। सबसे पहले इजाज़ भाई, ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आपका आने का। लेट मी गिव यू ब्रीफ। जो वर्ल्ड कप में हम टूर करके आए हैं, हमने नंबर 3 पे हमने फिनिश किया वर्ल्ड कप में, और मैं समझता हूँ ये बड़ी अच्छी अचीवमेंट है पाकिस्तान के लिए। और सभी मैचेस, प्रैक्टिस मैचेस भी और उसके अलावा जो वर्ल्ड कप के सारे मैचेस में हम जो है वो जीते हैं। वहाँ पे एक ही मैच, ओनली वन बैड डे वी हैव अगेंस्ट इंडिया, उसमें मेरा ख्याल है कि प्लेस में कमी नहीं थी किसी चीज़ की, लेकिन मैच बड़ा था उसकी वजह से बच्चे थोड़ा सा प्रेशर उस मैच का ले गया। वो मुझे नज़र आ रहा था वहाँ पे कि बच्चों ने इस मैच का प्रेशर बढ़ा लिया। मैंने तो बड़ी उनसे बात की कि ये जस्ट अदर गेम, यू नो, अगर आप सेमीफाइनल का नाम इससे हटा दें या इंडिया से हमारा मैच है, यू नो, इसका प्रेशर अगर आप हटा दें तो ये वही क्रिकेट है जो आप डेली खेलते हैं। लेकिन फिर भी बच्चे थोड़ा सा मुझे नज़र आया उस मैच में प्रेशर उन्होंने लिया। जो डिफेंडिंग जो वर्ल्ड कप जीते बांग्लादेश, सबसे पहले तो उनको मुबारकबाद, वो पहली दफ़ा वर्ल्ड कप में फाइनल में पहुंचे और उसमें वो जीते भी हैं इंडिया से। और हमारा जो उनके साथ राउंड में मैच था जिसमें हम कोशिश कर रहे थे कि हम अपने ग्रुप में टॉप में आएं, और फिर हमारा मैच न्यूजीलैंड से सेमीफाइनल होना था, लेकिन उस बांग्लादेश के ख़िलाफ़ हमने उनको 106 रन पे उनके 9 आउट कर लिए, लेकिन बीच में वेदर की वजह से वो फिर मैच कंप्लीट नहीं हो सका, हम उसमें थोड़े से अनलकी रहे। लेकिन जनरली अगर मैं देखूं तो हमारे प्लेयर्स, मुझे तो डेवलपमेंट का काम है और इसमें मुझे प्लेयर्स को प्रोड्यूस करना है, और मुझे, मैं बड़ा पॉजिटिव हूं और मुझे खुशी है इस बात की कि हमारे, मेरे पास मैंने 4-5 प्लेयर जो है उसमें आइडेंटिफाई किए हैं। थोड़ी सी बैड लक ये भी रही है कि मेरे जो 2 मेन प्लेयर थे लाइक रोहेल कप्तान और हैदर, उस तरह परफॉर्म नहीं कर सके जिन पे मैं बैंक करता था ज़्यादा कि ये टूर्नामेंट को लेके चलेंगे। लेकिन इट्स पार्ट ऑफ द गेम, ये होता है क्रिकेट में, बैड पैच आते हैं, दैट डजंट मीन कि वो कैपेबल नहीं है या उनमें सलाहियत नहीं है ऐसी। तो फ्यूचर में, जैसे पीछे एशिया कप में भी ये दोनों प्लेयर्स ने ही सेंचुरी की थी और परफॉर्म किया था, लेकिन इनके उस तरह ना परफॉर्म करने के बावजूद पूरा टूर जो है हमारा बड़ा अच्छा गया। हम सिर्फ एक ही मैच हारे, प्रैक्टिस मैचेस वर्ल्ड कप के बाकी सारे मैचेस वहाँ पर हम जीते। और मुझे बड़ी खुशी है ये बात करते हुए कि मुझे 2 प्लेयर और इसमें मिले हैं, जिसमें कासिम अकरम, जो फ्यूचर में मैं समझता हूँ इज़ द वन ऑफ द बेस्ट फील्डर, ऑफ स्पिनर और साथ मेनली बैट्समैन वो है इसमें। और उस मुझे नज़र आ रहा है आगे जिस तरह डिक्लाइन शुरू हुआ है हफीज़ का भी और शुएब मलिक का भी, तो आपको फ्यूचर प्लेयर चाहिए उसके लिए, इनका नेमो बदल चाहिए, तो वो मुझे कासिम अकरम और हारिस जो बैट्समैन हमारा बड़ा अच्छा खेला वहाँ पे, उसमें बड़ा पोटेंशियल है और हर वक्त क्रिकेट की तरफ उसकी कंसंट्रेशन है, तो होपफुली मुझे उम्मीद है। एंड ही कैप द विकेट एज वेल, हमने प्रैक्टिस मैच में श्रीलंका के खिलाफ उसको कीपिंग भी करवाई, बड़ी ज़बरदस्त उसने कीपिंग की। तो फ्यूचर में मुझे नज़र आ रहा है एक मिडल ऑर्डर बैट्समैन, 7 विकेट कीपर, जो नंबर 6 पे खेल सके, नंबर 7 पे खेल सके पाकिस्तान के लिए। इन 2 प्लेयर्स पे काम अभी करना है, अभी अगला जो हमारा कैंप लगेगा 3 से 4 महीने की, मैंने रिक्वेस्ट की है पीसीबी से कि मुझे 4 महीने का कैंप दिया जाए जिसमें अमर्जिंग प्लेयर्स और अंडर 19 के ये प्लेयर्स, इन प्लेयर्स को मैंने जो है वो ग्रूम करना है। जो चीज़ें मैंने वहाँ पे
ग्रे एरिया जो है उसको ठीक करना है इंशाल्लाह कैंप में। दूसरी बात यह है कि हमारे पाकिस्तान की टीम जो जूनियर क्रिकेट है इसमें हमारी अंडर 19 ने मैचेस बहुत कम खेले हैं। अगर मैं कंपैरिजन करूं दूसरी टीमों के साथ तो वो कोई 36 मैचेस, कोई 34 मैचेस इस तरह उन्होंने मैचेस खेले हैं और हमने सिर्फ 2 साल में 16 मैचेस खेले हैं सिर्फ। तो मैं अभी पीसीबी हाई अथॉरिटी से जब मेरी मुलाकात होगी तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें मैक्सिमम मैचेस दिए जाएं, मैक्सिमम टूर्स दिए जाएं जिसमें प्लेयर्स की डेवलपमेंट हो सके। मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि मुझे नज़र आ रहा आगे 2 साल में मैंने क्या काम करना है, जिसमें हम एशिया कप भी जीते थे इमर्जिंग का, उसमें हमने इंडिया को भी हराया था, उसमें हमने अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका सारी टीम को वहाँ पर हराया था। यहाँ भी हमने, आपने देखा होगा मैच टीवी पे आ रहा था, अफगानिस्तान को हमने 6 विकेटों से हराया, राउंड के सारे मैचेस जीते, वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम को 106 पे नॉक आउट कर दिए। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी लड़कों की और आगे इन पे 4 महीने काम करना है और उसके बाद इंशाल्लाह इनको बेसिकली क्रिकेट अवेयरनेस देनी है। बच्चे हैं, टाइम लेंगे, ओवरनाइट चीज़ें ठीक नहीं होती। इंशाल्लाह इनके साथ पिछले 6 महीने से काम कर रहा हूँ और 6 महीने में मैं सिर्फ 1 मैच हारा हूँ। 3 सीरीज जो है वो खेला हूँ, बांग्लादेश अंडर 16 पाकिस्तान में आई थी और एशिया कप हम बांग्लादेश में गए और अब वर्ल्ड कप में, तो 6 महीने में सिर्फ 1 मैच हारा हूँ। तो मैं समझता हूँ हमारी कारकर्दगी, मेरी कारकर्दगी या मेरी मैनेजमेंट की या मेरी टीम की कारकर्दगी बड़ी ज़बरदस्त है और इन फ्यूचर इंशाल्लाह आपको पॉजिटिव रिजल्ट दूँगा। अगर आपने किसी ने, थैंक यू इजाज़ भाई, मैं रोहेल से भी एक रिक्वेस्ट करूंगा, रोहेल आप भी अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट दे दें फिर हम सवाल लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स कि आप लोग आए और मैं यही टूर्नामेंट के बारे में बोलना चाहूंगा कि जैसे हम लोगों ने 3rd पोजीशन पे फिनिश किया तो हमारे लिए, हम लोग ये टूर्नामेंट काफ़ी अच्छा खेले। अनफॉर्चुनेटली एक गेम क्रूशल गेम था इंडिया के अगेंस्ट और हम लोगों ने थोड़ा सा पैनिक किया बीच में जिसकी वजह से हम जल्दी आउट हुए और वो मैच हमें हारना पड़ा। उसके अलावा प्रैक्टिस मैच से लेके जैसे हम लोगों ने, मैनेजमेंट ने, एजाज भाई ने, सब ने जैसे हम लोगों ने मिल के प्रैक्टिस की, उन्होंने प्रैक्टिस कराई और जैसे हम लोग चले तो काफ़ी अच्छा था मेरे लिए एज अ कैप्टन। और काफ़ी इस टीम में जैसे मैंने देखे लड़के जो आगे जाके खेलना चाहते हैं पाकिस्तान और जैसे उन्होंने एफर्ट किया ग्राउंड में और जैसे हम लोग खेले सेमीफाइनल अनफॉर्चुनेटली हारे, उसके अलावा जैसे हम टूर्नामेंट में खेले तो एज अ कैप्टन और पाकिस्तान मैं बड़ा खुश हूँ। हाँ इजाज, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि हार जीत खेल का हिस्सा है लेकिन हारने के भी आदाब होते हैं और बिलखसूस भारत से हारना यूँ महसूस हुआ कि जैसे आप बिल्कुल क्लैप्स कर गए। इससे पहले जो बातें अब आप कर रहे हैं कि 16 मैच मिले, 15 मैच मिले, ये बातें आप प्रोफेशनल कोच हैं, या तो आप टीम ना लेते या आप उस टीम ना लेते, कहते कि भाई टाइम कम है। आप देखें ना, आप वर्ल्ड कप हार गए तो अब आप क्या जवाब देंगे, आप क्या कहेंगे लोगों को कि भाई हमें ये करना चाहिए था। ये करने वाली चीज़ें पहले आपको सोचनी चाहिए थी कि आप नहीं समझते कि बहसीत कोच ये आपका फेलियर है। नहीं, मैं नहीं समझता कि ये मेरा फेलियर है क्योंकि जाहिर है जब भी मुझे ये असाइनमेंट दी गई है मैंने उसके बाद ही ये काम करना था सारा। और हार जीत जो है ये गेम का हिस्सा है और मेरा मेन मकसद है डेवलपमेंट, प्लेयर्स को डेवलप करना। पूरी दुनिया में आपने इंडिया को भी देखा है, वो भी सारे ये कह रहे हैं कि हार जीत हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए ये है कि हमने प्लेयर्स को डेवलप करना है। और जिस तरह मेरी भी अभी पीसीबी से यही है कि हम कोशिश करेंगे कि एक ही वर्ल्ड कप खेले एक प्लेयर, ठीक है ना। जिस तरह हमने अगर जीत के लिए जाना होता तो हम स्ट्रेस करते कि जी हमें नसीब शाह दिया जाए, हमने जीतने के लिए जाना, हमने जीतने नहीं, हमने प्लेयर्स को डेवलप करना है। हारे ज़रूर हैं, अब मुझे भी तकलीफ है इस चीज़ की कि मैच इस तरह का नहीं होना चाहिए था, लड़के हारना चाहिए था, वन साइडेड मैच नहीं होना चाहिए था, लेकिन कांट हेल्प इट, ग्राउंड के अंदर जाके खुद बैट पकड़ के तो खड़ा नहीं हो सकता, मैंने इनको बताना ही है। लेकिन एंड ऑफ द डे एक ही मैच हम हारे हैं, बाकी सारे मैचेस हम वहाँ पे जीते हैं। तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा हमें इसको पॉजिटिव लेना चाहिए क्योंकि आगे काम करना है इन प्लेयर्स के साथ और प्लेयर डेवलप करने हैं और होपफुली इंशाल्लाह करके दूंगा प्लेयर्स आपको डेवलप। इजाज भाई, अगर हम देखें इस पूरे टूर्नामेंट पे जब से आपने ये टीम संभाली है, एक तो इनकी बॉडी लैंग्वेज प्लेयर्स की
बड़ी चीज है और लोगों के हाथ जीत होती है क्रिकेट होगी, तो क्या ऐसी चीज़ आपने प्लेयर्स के साथ की है कि प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस स्पेशली जिस तरह रोहेल या हैदर और बाकी लोग खेलते हुए देखे हमें एक कॉन्फिडेंस लेवल एक प्लेयर को अंदर होना चाहिए वो नज़र आया, और बॉलर्स में हम देखेंगे कंसिस्टेंसी से अच्छे फास्ट बॉलर्स मिल रहे हैं, क्या इसको देखते हैं इस पूरे ओवरऑल सिनेरियो में? जी बिल्कुल, मैं प्लेयर्स को बेसिकली मैंने इनको कॉन्फिडेंस दिया है कि यू आर द बेस्ट, आपने ऊपर आपने जो है वो अतमाद रखना है, आप से मेरे से अच्छा कोई नहीं है, यू नो मुझे इस तरह आपने लेके इसको चलना है। दूसरी चीज़ें ये काफ़ी ग्रे एरियाज़ हैं जिस पे हमने काम करना है, कई चीज़ें ऐसी हैं जो अभी हमने क्रिकेट के अलावा भी इनको सिखानी है, थोड़ी सी गेम अवेयरनेस जो है उसमें थोड़ा सा लैग कर रहे हैं ये, और वो चीज़ जो है वो अब जब इंशाल्लाह कैंप लगेगा उसमें वो चीज़ पहले की भी है, प्रेपरेशन भी की है, ये नहीं कि हम प्रेपरेशन करके नहीं गए, हमने जो है वो 40 दिन का कैंप लगाया उसके अंदर हमने, लेकिन कुछ वेदर ऐसा था बीच में बारिशें आ गईं, कुछ मैचेस नहीं हो सके, थोड़ी सी ये प्रॉब्लम आई है हमें, लेकिन अगर आप कंडीशंस देखें साउथ अफ्रीका की हमारी हिस्ट्री में भी अभी यही चीज़ हमारे सामने ज़्यादा आती है कि जब हम ऑस्ट्रेलिया जाते हैं साउथ अफ्रीका जाते हैं वहाँ की पिचेस जो हैं वो बाउंसिंग ट्रैक्स हैं, तो वहाँ पे जाके ये लड़कों ने परफॉर्मेंस दिया, इनको आप बाउंसेस की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करवाई, कट शॉट कैसे मारनी है उसकी प्रैक्टिस करवाई, क्योंकि उन पिचेस पे ये दो शॉट्स ऐसे हैं बाउंसर्स को पुल मारना और कट शॉट मारना इनको आना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे वही शॉट्स लगती हैं। हमारे सब कॉन्टिनेंट में जो है वो पिचेस का लो बाउंस है, वेस्ट साइड पे आता है, तो ये ऑन थ्रू द लाइन ये शॉट्स खेलते हैं, लेकिन बाहर के मुल्कों में जाके ऐसा करना ज़रा मुश्किल होता है, तो उसकी इनको प्रैक्टिस कराइए और आगे भी फ्यूचर में इंशाल्लाह और इन पे काम करेंगे। ओवरनाइट मैंने पहले कहा कुछ चीज़ें ठीक नहीं होती, जो ग्रे एरियाज हैं इंशाल्लाह उस पे काम करके आपको प्रोडक्ट्स देंगे। इजाज़ भाई, नसीम शाह ने गुज़श्ता रोज़ ज़बरदस्त हैट्रिक की, कॉमेडी में जैसे खेले और हैट्रिक की, आपने उनके साथ काफ़ी ज़्यादा काम किया, उसको आप कैसा देख रहे हैं, मुस्तकबिल उसका कहाँ देख रहे हैं, और सेकेंडली क्या आपको नसीम शाह की कहीं पर कमी महसूस हुई वर्ल्ड कप के दौरान कि नसीम शाह अगर होता तो शायद हमारी रिजल्ट्स मज़ीद बेहतर हो सकते? जी बिल्कुल, कमी मुझे उसकी महसूस वहाँ पे हुई नो डाउट, लेकिन बात सिर्फ ये है कि मुझे उसके साथ उसकी इतनी खुशी भी हुई है कि उसने पहला यंगेस्ट प्लेयर जो है उसने हैट्रिक किया है टेस्ट क्रिकेट में, और ये इतना आसान काम नहीं है आजकल की जो फ्लैट पिचेस के ऊपर इस तरह की परफॉर्मेंस करना और हैट्रिक करना, इट्स अमेजिंग। और मेरा ख्याल है जिस तरह का वो बॉलर है और जिस तरह वो तीनों उसने आउट किए हैं वो बड़े मैच्योर क्रिकेटर की तरह उसने जो है ना वो हैट्रिक की है, और ये उसको बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस देगी ये चीज़, हैट्रिक करने के बाद उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊपर जाएगा, परफॉर्मेंस से हमेशा प्लेयर का कॉन्फिडेंस ऊपर जाता है, और मेरी ग्रेट विशेज़ हैं उसके साथ कि मैं ले के नहीं गया उसको अपने साथ, लेकिन दूसरी साइड अगर देखूँ कि मकसद है कि पाकिस्तान को प्लेयर्स देने और दिया और उसने हैट्रिक कर दी, और ये बड़ी खुशी की बात है, और इंशाल्लाह इसी तरह आगे पीछे शाहीन अफरीदी भी आप जो है वो भी इसी प्रोसेस से गुजर के गए हैं, इंशाल्लाह आगे भी फ्यूचर में आपको फास्ट बॉलर इंशाल्लाह देंगे। इजाज़ भाई, आपने यकीनन अच्छा करने की कोशिश की होगी, अच्छा करने की कोशिश भी की होगी, डिलीवर भी किया होगा, लेकिन आपने कहा कि जो मैचेस थे बकाया मैच जो थे वो हम जीते थे, इंडिया से जो है वो अनफॉर्चुनेटली हार गए, तो क्या जो आप समझते हैं कि जो पिछली टीमें थी तीन मैचेस जो आप खेले वो तगड़ी टीमें थी इंडिया के नस्बत, क्योंकि जिम्बावे थी, अफगानिस्तान थी और बांग्लादेश थी, आपने कहा कि उनसे मैचेस जीते और एक मैच जो है वो इंडिया से आ गए, तो अभी ये यंग लॉट है, ये यंग लॉट जो है वो जब इंडिया से प्रेशर लेगी तो सीनियर जब टीम में जाएंगे तो तब भी प्रेशर लेगी, अभी से क्या इनको सिखा रहे ताकि इंडिया का कोई प्रेशर ना आए? और बॉलिंग का दूसरा मेरा सवाल है कि बॉलिंग के शोबे में आप लैग करते हैं, जी बिल्कुल, हमेशा देखें यही चीज मैं प्लेयर्स को सिखाना चाह रहा हूँ कि अच्छा फिनिशर बनो, जब आप अंदर सेट हो जाते हो तो फिर दूसरे प्लेयर्स के ऊपर ना छोड़ो या दूसरे बैट्समैन के ऊपर ना छोड़ो, ये चीज़ इंडिया के उस मैच में नज़र आई कि जैसे ही उन्होंने पहले 25-26 ओवर के अंदर सिर्फ 100 रन किए थे, उन्होंने टाइम लिया, इसलिए टाइम लिया कि उनके ऊपर प्रेशर नहीं था, उनके ऊपर कोई 250-300 करने का प्रेशर होता तो वो रिस्क लेते ज़्यादा, वो जब सेट हो गए तो उन्होंने जो है वो फिनिश किया मैच को, अच्छे फिनिशर बने,
ठीक है ना, तो इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो भी डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं और उन्होंने प्लेयर्स ने अच्छा मैच फिनिश किया। और जब अगली मीटिंग हमारी हुई न्यूजीलैंड से पहले, मैच से पहले, तो उसमें मैंने ये एग्जाम्पल भी अपने प्लेयर्स को दी कि जस्ट जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ या सिखाना चाह रहा हूँ वो आपको इंडिया के दोनों ओपनर में नज़र आई है और उन्होंने किस तरह मैच फिनिश किया। तो यू शुड लर्न, यू नो, आपको किसी को देख के भी सीख आप सीख सकते हैं। जैसे हम पास में जब पाकिस्तान टीम में आए थे तो जुवेद मियां आज़ाद जब खेलता था तो हम उसको देख के सीख जाते थे कि वो किस तरह इनको डेवलप करता है। तो ये चीज़ें इनको बताई गई हैं और आगे इंशाल्लाह बताएंगे भी, क्योंकि आज ही सुबह मैं आया हूँ और अभी आपके सामने हूँ जी। बॉलिंग में जो है हमारे बॉलर्स ने बड़ी अच्छी वहाँ पे बॉलिंग की है। आप अगर दूसरे मैचेस देखें तो उसमें स्कॉटलैंड को हमने उस पर आउट कर दिया, बांग्लादेश जो चैंपियन है उसको 106 पे 9 आउट उनके किए। तो बॉलिंग डिपार्टमेंट पे मेरे पास सारा मवाद जो है वो पूरा था, जिसमें राइट आर्म लेग स्पिनर, लेफ्ट आर्म स्पिनर, ऑफ स्पिनर, 3 फास्ट बॉलर, यू नो, तो वो सब ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। हाँ, मानता हूँ, तस्लीम भी करता हूँ इस चीज़ को कि इंडिया के ख़िलाफ़ हारा हूँ, लेकिन इट्स पार्ट ऑफ द गेम और इससे इंशाल्लाह प्लेयर्स सीखेंगे और आगे इनको ग्रूम करना है कि ऐसे प्रेशर मैचेस में जो है वो हमें जो है वो किस तरह खेलना है, प्रेशर को कैसे रिलीज़ करना है। ये सारी पहले मैंने बोला ग्रे एरिया जो है उन पर इंशाल्लाह काम करना है। अगर आप देखें तो साउथ अफ्रीका, इंडिया, अफगानिस्तान, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया सब ने आप जो है वो 4-day क्रिकेट भी खेली है, यूथ टेस्ट मैचेस भी खेले हैं। तो हमें ये सारी चीज़ें अब जो है हमें ये हमने भी खेलनी है। जैसे मैंने पहले कहा कि जब PCB अथॉरिटी से जब मुलाकात होगी तो ये सारी बातें उनके साथ की जाएंगी और उनसे रिक्वेस्ट की जाएगी कि हमें टूर्स दिए जाएं, ज़्यादा मैचेस दिए जाएं जिसमें प्लेयर्स सीखें। डेवलपमेंट का काम है इसलिए हमें ये मैचेस मिलने चाहिए सारे, और जब मिलेंगे तो डेफिनेटली प्लेयर्स जो है वो सीखेंगे इंशाल्लाह। पहला तो ये है कि जो पहले बैटिंग थी, क्योंकि हमारा हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग पहले बैटिंग करेंगे और एक अच्छा टोटल बोर्ड पे लगा के इंडिया टीम को प्रेशर पे लाएंगे, क्योंकि हमारी बॉलिंग काफ़ी टूर्नामेंट में अच्छा कर रही थी। तो हमने उस पर बैक किया कि हम लोग एक अच्छा टोटल लगाएंगे और इंडिया को चेजिंग करवाएंगे और इंशाल्लाह डिफेंड करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग इस तरह स्कोरबोर्ड उतना नहीं कर सके जो हम चाह रहे थे, लेकिन यह है कि इसलिए पहले बैटिंग की जी। इसमें मैं थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ आपको कि हम हमेशा बड़े मैच में चेज करना मुश्किल होता है, प्रेशर होता है। अगर पास में आप देखें तो चैम्पियंस ट्रॉफी के अंदर हम राउंड का मैच हारे थे और हमने टॉस जीत के उनको बैटिंग दे दी थी, और बाद में वही गलती इंडिया ने चैम्पियंस ट्रॉफी में की थी कि टॉस जीत के उन्होंने पाकिस्तान को बैटिंग दे दी थी, तो पाकिस्तान ने बड़ा टोटल करके तो चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। तो हमेशा बड़े मैच में आपको पहले बैटिंग करके रनिंग बिटवीन द विकेट जो है वो रिलेटेड है आपकी फिटनेस के साथ। अभी जो 4 महीने का हमने कैंप लगाना है उसमें इंशाल्लाह इन प्लेयर्स की फिटनेस के ऊपर काम करना है, इनको प्रॉपर न्यूट्रिशन से डाइट प्लान बना के इनको वो डाइट हमने देनी है जिससे इनमें एनर्जी आए और ये तगड़े हों थोड़े से। और इनमें देखें, जब तक आपकी फिटनेस ठीक नहीं होगी उस वक्त तक आप में कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा, उस वक्त तक आप लंबी इनिंग्स नहीं खेल सकेंगे, तो ये प्रॉब्लम्स आएंगी। तो हमारा पहले मैंने बताया जो ग्रे एरिया है उसके ऊपर काम करना है, उसमें फिटनेस जो है वो प्रायोरिटी पे है। जब फिट होंगे इन प्लेयर्स तो फिर ये तेज़ भी भागेंगे और लंबी इनिंग्स भी खेलेंगे। आई नीड सम टाइम फॉर दैट। इजाज़ भाई, हम मजबूत टीम के साथ वर्ल्ड कप में उतरे थे और बड़ा अच्छा परफॉर्म भी किया, लेकिन बार बार कैंप में भी आपसे यही सवाल किया जा रहा था कि भारत के खिलाफ क्या प्लानिंग है, और वही भारत जिससे हम सेमीफाइनल में आ रहे हैं और फाइनल में बांग्लादेश जैसी टीम से हरा रही थी, क्या इसका क्या सलूशन है, कब तक हम जो है वो भारत के प्रेशर में रहेंगे? नहीं नहीं, मैं खैर क्योंकि मैं इस चीज़ से गुजर चुका हूँ सारा। जब हम क्रिकेट खेलते थे तो उस वक्त हम जो है वो 80% 90% मैच जो है वो इंडिया से जीतते थे, और वही चीज़ें उस वक्त हमारी जो बॉडी लैंग्वेज जो है वो टोटली डिफरेंट होती थी, और वही चीज़ मैंने अपने प्लेयर्स के अंदर जो है ना वो डालनी है कि हम आधा मैच इंडिया से अपनी बॉडी लैंग्वेज के साथ जीतते थे। तो ये थोड़ा सा इस वक्त नो डाउट इंडिया
इस वक्त टॉप क्रिकेट खेल रहा है और इसको मानना भी चाहिए हमें, और हमें इसको किस तरह कैटर करना है ये अब हमारी क्योंकि एक्सपीरियंस है, आपने देखा होगा आप यहाँ पे बैठे हुए, यहाँ भी 139 जो हाईएस्ट स्कोर है मेरा यहाँ पे, तो ये चीज़ें सारी मैंने इनके अंदर इंशाल्लाह डालनी है। इंडिया को किस तरह कैटर करना है आप थोड़ा सा मुझे टाइम दें, इंशाल्लाह आपको डिलीवर करूँगा। एजाज भाई, मेरा क्वेश्चन है आपसे कि पाकिस्तान का कोई प्लान बी नज़र नहीं आया जब पाकिस्तान की टीम 170 ऑड रन पे आउट हो गई, तो हमें पता था कि जसवाल जो इंडिया के प्लेयर हैं वो हर मैच में कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसके बारे में कोई प्लान बी था आप लोगों का, क्योंकि वो एक कंसिस्टेंट आ रहा था, बाकी इंडिया के जो बैट्समैन थे उनको इतना मौका नहीं मिला था बैटिंग करने में, तो क्या हमने उसके प्लान बी कोई काम किया था? हमने हम लोग ज़्यादातर हमारे जो बॉलर्स थे वो या तो शॉर्ट बॉल कर रहे थे या उसको फुल खिला रहे थे, तो कोई बॉलर्स ने प्रॉपर उनको कोई बॉलिंग नहीं की। और सेकंड क्वेश्चन मेरा रोहेल से है कि रोहेल आपकी बैटिंग कोई इतनी प्रॉपर नहीं रही है, तो क्या आप इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं? आप एज ए कैप्टन थे तो आप परफॉर्म नहीं कर पाए एज ए बैट्समैन, आपका बहुत बड़ा रोल था, तो आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? जी पहले मैं आपके जो प्लान बी की बात आपने की है, देखें हमने अपना कम्बिनेशन बिल्कुल ठीक बनाया हुआ था और टॉस जीत के पहले बैटिंग इसलिए की थी कि हमारे पास तीन स्पिनर्स हैं और हमारे पास तीन फास्ट बॉलर भी थे, तो हमारे पास ऑप्शन बहुत थी, लेकिन जब आप एक बड़ा टोटल नहीं करते तो उस वक्त टीमें जो हैं वो उस प्रेशर में नहीं आती। अगर यही टोटल बड़ा होता तो इंडिया को प्रेशर में वो आती। अभी आप देखें, आपने जैसे बात की बांग्लादेश की टीम की, तो इंडिया ने बड़ा टोटल नहीं किया तो वो ले गए मैच ना, बांग्लादेश जीत गई मैच, इसलिए बड़ा टोटल हो तो प्रेशर आता है, और मेरी टीम में जो है वो इतना पोटेंशियल था कि वो बड़ा टोटल कर सकती है, लेकिन सिर्फ मैंने पहले बात की कि उन पर प्रेशर इस मैच का ले गए, वो सेमीफाइनल वर्ल्ड कप का और इंडिया के साथ मैच, इस चीज़ का जो है इन्होंने प्रेशर लिया है, और इसी चीज़ पे हमने काम करना है कि इस प्रेशर से कैसे बाहर निकलना है। और इंशाल्लाह जो बात रोहेल की बात का मैं जवाब देता हूँ, क्योंकि रोहेल जब टूर्नामेंट शुरू हुआ तो रोहेल का एम था कि मैंने वर्ल्ड कप का बेस्ट प्लेयर बनना है, कुछ सिचुएशंस ऐसी बनी कि स्कॉटलैंड से मैच हुआ तो 76 पे वो आउट होगी, दूसरा मैच भी जो है वो इस ये जल्दी कर रहा था वहाँ पे, मैं इससे बात करता रहा कि जल्दी ना करो, जाओ अंदर टाइम थोड़ा सा स्पेंड करो तो तुम इस चीज़ से निकल आओगे, लेकिन इसने पूरा जो है ना उस चीज़ का प्रेशर ले लिया कि मैंने वर्ल्ड कप का बेस्ट प्लेयर बनना है। आप जब बैटिंग करने जाएंगे ऐसी सोच के साथ, या फिर आप ये सोच के जाएंगे कि मैंने सेंचुरी करनी है, 100 स्कोर करने हैं, तो आप पे प्रेशर आएगा ज़्यादा, तो गोल छोटे छोटे रखने चाहिए कि पहले मुझे अपना 35-40 करना है, उसके बाद मैं सेट हो जाऊंगा, तो फिर मुझे अपनी आगे इनिंग को बिल्ड करना है। तो जब आप अपने ऊपर बड़ा गोल बना लेंगे कि मैंने इस बेस्ट प्लेयर बना, तो आपके ऊपर प्रेशर ज़्यादा आता है। इससे मैं बात करता रहा, फिर इसने जो सेमीफाइनल में आप जाके टाइम स्पेंड किया तो इसमें से निकला, फिर इसने रन्स किए, लेकिन उस वक्त तक थोड़ा सा लेट हो चुका था क्योंकि हम वो मैच हार गए और आगे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली इसको। जी जैसे आपने बोला कि आपकी बैटिंग उस रनी में पिछली जितनी भी क्रिकेट खेला, सीरीज़ खेला साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, उसके बाद श्रीलंका की सीरीज़ खेला, सब सीरीज़ में मैं बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट आया, और एशिया कप जो हुआ इमर्जिंग में उसमें भी मैंने अपना बेस्ट किया, अपनी सारी बेस्ट परफॉर्मेंस दी, और उसके बाद जैसे मैं वर्ल्ड कप में गया तो मैं अच्छी फॉर्म में था, क्योंकि लास्ट फाइनल में डोमेस्टिक के फाइनल में मैं 250 मार के गया था, तो मेरा यही एम था कि जैसे इजाज़ भाई ने बताया कि ऑफ कोर्स मेरा यही एम था कि मैंने बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनना है और अपनी टीम को जिताना है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे पहला मैच हमारा जल्दी बॉलर्स ने आउट कर दिया, और दूसरे मैच में जिम्बाब्वे के अगेंस्ट मैं शुरू में ही आउट हो गया, तो एज अ प्लेयर आप परफॉर्मेंस आप करने जाते हो लेकिन अनफॉर्चुनेटली पता आपको नहीं होता, क्योंकि आप किसी भी टाइम पे आउट हो सकते हो, तो जो जिम्बाब्वे के अगेंस्ट जैसे मैं स्टार्टिंग में आउट हो गया, उसके बाद फिर अगला बांग्लादेश का मैच वॉश्ड आउट हो गया, बैटिंग नहीं आई, तो थोड़ा टूर्नामेंट ऐसे ही चलता रहा, लेकिन मुझे ये खुशी है कि इंडिया के खिलाफ प्रेशर मैच था और मैं उस तरह मेरे रन्स भी नहीं थे, तो मैंने अपनी टीम के लिए विकेट पे टाइम स्पेंड किया और मैंने जितनी मैं एफर्ट कर सकता था मैंने पूरी एफर्ट की, और बस ये कहना चाहता हूँ कि
पार्ट ऑफ गेम है परफॉर्मेंस, आप यही चाहते हो कि आप परफॉर्म करो, लेकिन अगर एक दो मैचेस में आप परफॉर्म उस तरह नहीं करते तो इट्स ये नहीं होता कि आप परफॉर्म नहीं कर सकते। जी बिल्कुल, इसका ब्लेम जो है, मैं जाने से पहले ये बात करके गया था, आप ही ने मुझे सवाल किया था लास्ट टाइम कि आपने बड़ा अच्छा कम्बिनेशन जो है वो डिस्क्राइब किया है, और अगर आप सेमीफाइनल में ना पहुंचे तो फिर क्या होगा। तो मैंने कहा था इस हार की जिम्मेदारी मैं खुद लूँगा, प्लेयर्स पे नहीं डालूंगा, लेकिन अगर आप पूरा टूर्नामेंट देखें तो हम सेमीफाइनल खेले हैं और नंबर 3 पोजीशन पर आए हैं। तो अगर आप जनरली देखें तो परफॉर्मेंस पाकिस्तान की अच्छी है। जीतना हर कोच की ख्वाहिश होती है कि मैं टूर्नामेंट जीत के आऊँ, ठीक है, एशिया कप जीता, इसमें नंबर 3 पे हम हैं, हम मेरे पीछे हमारी टीम के पीछे अगर देखें तो नंबर 4 पे न्यूजीलैंड है, नंबर 5 पे ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, इंग्लैंड, जिनके स्ट्रक्चर्स बड़े अच्छे हैं, वो भी इन पोजीशन पर नहीं आए, 7-8 पोजीशन तक वो गए। तो अगर सारा मैं इसको देखूँ तो उसमें मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान नंबर 3 पे वर्ल्ड कप में फिनिश किया, ये बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है, लेकिन इंडिया से जो मैच हारे हैं मैं इसकी ज़िम्मेदारी कबूल करता हूँ। नसीम शाह के देखिए, मैंने पहले बात की है कि नसीम शाह जो है वो ख्वाहिश होती है हर कोच की कि वो मेरा मेन बॉलर वो उसमें वहाँ पर होता, लेकिन द अदर साइड अगर आप देखें तो पाकिस्तान के लिए उसने हैट्रिक किया है, उसको ये जो ब्रेक थ्रू मिला है उसकी क्रिकेट में, ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है और इससे वो लॉन्ग टाइम आगे जो है वो परफॉर्मेंस करेगा इंशाल्लाह। क्रिकेट में इस तरह की चीज़ें आती रहती हैं, बैड पैच भी आते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ जिससे मैं बिल्कुल ये कहूँ कि हमारी परफॉर्मेंस बिल्कुल ख़राब थी, ऐसा नहीं है। सिर्फ एक मैच हम हारे हैं और वो मैच इंडिया के साथ था। आई नो इमोशनल बाइंडिंग है हमारी जो है ना, हम इंडिया के सब मैच होता है तो हमेशा वो मैं कहता हूँ मैंने 6 महीने क्रिकेट जीता हूँ, एक मैच हारा हूँ लेकिन वो उसके बराबर, इसलिए समझता हूँ क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल है, लेकिन प्लीज़ इसको एज ए गेम लें और इंशाल्लाह आगे फ्यूचर में देखते जाएं आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। जी बिल्कुल, मुझे अफसोस हुआ इस चीज़ का, क्योंकि आप डेवलपमेंट का काम जब कर रहे हैं तो ये भी डेवलपमेंट का हिस्सा है कि आपने उनको जो है वो ये सारी चीज़ें सिखानी हैं कि आपने कोई ऐसी चीज़ नहीं करनी जिससे आप वो क्या कहते हैं, क्रिकेट इज़ ए जेंटलमैन गेम, गौरों की सही है, क्रिकेट इज़ ए जेंटलमैन गेम, तो इसको एज ए जेंटलमैन ही लेना चाहिए, एज ए स्पोर्ट्समैन ही आपको इसको डील करना चाहिए। ये बड़े अफसोस की बात है कि बांग्लादेश के और इंडियन प्लेयर्स के आपस में जो चीज़ें हुई ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, मेरा ख्याल ये वो लैग कर रहे हैं। ये शुक्र है अल्लाह का कि पाकिस्तान टीम इस टूर पे गई है, किसी किस्म का एक इशू या एक बात ऐसी नहीं हुई जिसका मुझे यहाँ पे आके जवाब देना पड़े। कि बिल्कुल एक्साइटेड हूँ क्योंकि कुमार संगकारा और जो एमसीसी के प्लेयर्स हैं उसमें इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं तो काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा, और जैसे अभी अब हम लोग एमसीसी के साथ हमारे मैचेस हैं, उसके बाद पीएसएल है, तो मैं एक्साइटेड हूँ एज अ कैप्टन भी कि उस मैच में कैप्टनसी करूँगा और काफ़ी कुछ लर्न करूँगा और आगे पीएसएल में भी अच्छा खेलने। जाज भाई, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आपने कहा जैसा कि बड़ा टारगेट हमारी टीम नहीं बना पाई, बॉलिंग के साथ साथ हमारी जो बैटिंग लाइन है वो भी कमज़ोर दिखाई दी है, तो इस पर आप क्या कहें? देखिए, मैं 7 बैट्समैन के साथ खेला हूँ, इसमें मैं पहले बात कर चुका हूँ, हैदर, रोहेल, अभी बात की है मैंने, कासिम अकरम की, हारिस की,
उसके बाद हमारे पास नंबर 7 पे जो खेल रहे थे वो अरफान नियाजी खेल रहे थे, जो अभी सेंट्रल पंजाब से भी खेले हैं, बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको वहाँ पे मैचेस में बारी नहीं मिली उस तरह, क्योंकि तो ऊपर से ही रन्स होते गए तो ये नीचे वाले जो बैट्समैन थे इनको, जैसे अब्बास ऑलराउंडर है बड़ा अच्छा, मैं रेट करता हूँ उसको, उसकी भी बारी नहीं आई, और उसको क्रिकेट में बैड डिसीजन भी आ जाते हैं, वो जो उसको आउट दिया वो जो है वो आउट नहीं था अब्बास को, और वो अंपायर से भी गलती होती है एज ए ह्यूमन बीइंग, और अरफान की बैटिंग है, लेकिन हमारे पास नंबर 8 तक बैटिंग थी, 7 बैट्समैन और 8 पे अब्बास। लास्ट 3 क्वेश्चंस इजाज आप करें। इजाज भाई, आप भी जानते हैं कि पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक क्रिकेट, स्पेशली जो क्लब क्रिकेट है, वहाँ से जब लड़के अंडर 19 में चाहे अच्छा परफॉर्म करें या बुरा, तो हमारे यहाँ एक रीत चली आ रही है कि मेरा मुंडा तो ताड़ा मुंडा, और अंडर 19 का बहुत अच्छा टैलेंट नीचे ज़ाया हो जाता है। अब आप 6 माह से आ गए हैं, ठीक है आपके पास स्क्वाड अच्छा था, लेकिन क्या आप खुद भी थोड़ी एफर्ट करेंगे कि मेरा मुंडा तो ताड़ा मुंडा वाला कल्चर ख़त्म हो और अच्छे टैलेंटेड लड़के ऊपर हैं ताकि आप टाइटल भी जीत सकें? जी बिल्कुल, इसमें देखिए पहले जो है ना वो हमारा रीजनल सिस्टम था, उसमें काफ़ी ऐसी मेलफ आई डी होती रही हैं जो है ना, लेकिन अब थोड़ा सा मुश्किल है, अब 5 रीजन्स की एक टीम बननी है और उसमें कंपटीशन आपका बढ़ गया ज़्यादा, और उसमें जो है वो अगर कोई सिफारशी प्लेयर आएगा तो वो सर्वाइव नहीं करेगा उसमें, क्योंकि अब स्ट्रक्चर बहुत बेहतर हो गया है, और ये अभी 1 साल ही गुजरा है इसमें, इसको थोड़ा सा टाइम दें, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इसमें कोई मेलफ आई डी नहीं होगी, और इसमें फिर लोग भी इन्वॉल्व हैं, आपके जो सेंट्रल पंजाब के एक बंदा होगा, एक पीसीबी का है, यू नो एक सिलेक्टर बीच में है, तो वहाँ मेलफ आई डी करनी ज़रा मुश्किल है। पहले जो हमारा सिस्टम था उसमें प्रेजिडेंट को ज़्यादा अथॉरिटी होती थी, उसके पास ही रीजनल जो सिलेक्टर होता था वो भी उसका वहीं का था, तो वो थोड़ा सा इन्फ्लुएंस हो जाता था, अब वो चीज़ें नहीं होंगी इंशाल्लाह फ्यूचर में देखें। दूसरी बात ये है कि सिफारिश जो है इसने जाके साथ खड़ा नहीं होना, अब मेरी कोई भी यहाँ पे सिफारिश कर दे और मैं जाके क्रीज पे जब खड़ा होगा तो वो सिफारिश मेरे साथ खड़ी नहीं होनी, वहाँ मुझे फेस करना पड़ेगा। जाज भाई, आपने कैंप के दौरान जो है वो बारहा ये बात की कि मैं खिलाड़ियों की जहन पे जो है जहनी कमज़ोरी जो है उसको दूर कर रहा हूँ और उस पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद आपने अभी कहा है कि भारत के खिलाफ जो है खिलाड़ी प्रेशर में नज़र आए हैं, तो क्या आप समझते हैं कि कैंप में उस तरह से वो काम नहीं हो सका जो ज़हनी दबाव से आप इन्हें निकालना चाह रहे थे, और उसके बाद जो टीम हमारी दबाव में रही वहाँ पे सीनियर खिलाड़ियों के साथ कुछ ऐसा ही नज़र आता है? और रहेल, आप बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि आपको पहले जो है वो इतने बड़े मैचेस नहीं मिले, उसका नुकसान हुआ कि आप थोड़ा रिलैक्स हो गए और आपने भारत के खिलाफ भी थोड़ा सा उस तरह से उस चीज़ों को उस तरह से नहीं लिया जो बाकी बड़ी टीमों में बड़े मैचेस में लेनी चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए मैंने पहले बात की है कि जो मैंने वहाँ पर चीज़ें ऑब्ज़र्व की हैं, जो ग्रे एरियाज़ हैं, मैंने उसके ऊपर काम करना है, उसमें ये भी चीज़ें मेन चीज़ है उसमें, जिसमें कि इस तरह का प्रेशर नहीं लेना आपने, फेलियर से कभी नहीं डरना, अब ये चीज़ें इनको सिखानी है, जब आप फेलियर से डरेंगे तो आप फेल ही होंगे, तो ये चीज़ और ये फियर से इनको निकालना। जैसे आपने बात की कि हम लोग बिग टीम्स के साथ नहीं खेले, बांग्लादेश अंडर 19 में मेरे ख्याल से जो सब टीम्स एक जैसी होती हैं, क्योंकि आपको पता नहीं होता, आइडिया नहीं होता कि कौन सा प्लेयर कैसा खेलता है, तो मेरे नज़दीक अंडर 19 में सब टीम्स इक्वल होती हैं, और जैसे आपने कहा बिग टीम्स, बांग्लादेश एक बिग टीम थी जो फाइनल जीती, तो उनसे हम लोगों ने खेला और काफ़ी अच्छा खेला, उसके बाद प्रैक्टिस मैच हमने श्रीलंका के साथ खेला, उससे भी हम लोग जीते, और साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भी पहले हम लोग खेले, उनसे भी जीते, तो मैं ये नहीं समझता कि हम लोग कोई बड़ी टीम से नहीं खेले, और डायरेक्ट इंडिया के साथ मैच आया तो हम लोगों ने कोलैप्स किया। क्रिकेट है, जिस दिन आप अच्छा नहीं खेलोगे तो मैं समझता हूँ कोई भी टीम हो, अगर आप थोड़ा सा पैनिक करोगे बड़े मैच में तो आप फेल होगे, तो यही हुआ कि हम लोगों ने बीच में मिडल ऑर्डर में बैटिंग उस तरह नहीं किया और हम लोग इतना टोटल नहीं किया जिसकी वजह से हारे। लास्ट क्वेश्चन जी। टूर्नामेंट में एक ही मैच आपके पास आया भारत का, और उसी मैच में आपने डिफेंड करने की बहुत कोशिश की है, अभी आप फेल हो और आगे आप फिर फेल होने के
बाद फिर 4 माह का आप मांग रहे हैं, अपनी जॉब का एक्सटेंशन मांग रहे हैं, तो आप जिम्मेदारी छोड़ के किसी और को क्यों नहीं मौका दे रहे? ये तो पीसीबी का काम है कि वो अगर नहीं समझती तो वो ज़रूर ऐसा डिसीजन करें, मुझे उससे कोई इश्यूज नहीं है। लेकिन अगर आप मेरी परफॉर्मेंस देखें तो 6 महीने में सिर्फ एक मैच जो है वो हारा हूँ, तो जो मेरी परफॉर्मेंस जिस मैंने अच्छी दी है आई होप कि उसको आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। उसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि हमारा जो मैच बांग्लादेश से हुआ था, हमारे बॉलर्स ने विकटें ली उसमें, आमिर खान ने 4 आउट किए, अब्बास ने 3 आउट किए, ताहिर ने 3 आउट किए, यू नो एक बीच में रन आउट हो गया। आप जब 106 पे आप किसी टीम के 9 आउट कर देंगे, ऊपर से बारिश होगी तो रन्स कहाँ से होंगे? स्कॉटलैंड से हमने उनको 76 पे आउट कर दिया तो मेरे बैट्समैन रन्स कहाँ से करेंगे बड़े? ये अगली टीमें जब देखें, हमने जिम्बाब्वे के खिलाफ 300 किया, ठीक है ना, उसमें प्लेयर्स ने रन्स भी किए। और जिम्बाब्वे की टीम मैं आपको बता दूं कि उनकी टीम बहुत अच्छी टीम थी, जो टूर्नामेंट का बेस्ट टोटल हुआ है वो उन्होंने किया 357, ठीक है ना। और उन्होंने जो हमारे से पहले वर्ल्ड कप से पहले जो 3 नेशन 4 नेशन टूर्नामेंट चल रहा था इंडिया से, वो 10 स्कोर से मैच हारे हैं। वो इतनी बड़ी टीम के खिलाफ भी उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, तो अब जो है ना उनका भी डेवलपमेंट जो प्रोग्राम चल रहा है वो बड़ा अच्छा है। मैंने उसमें देखा कि उनके प्लेयर्स जो नीचे U19 में खेल रहे हैं वो बड़े ज़बरदस्त हैं, और आगे मुझे जिम्बाब्वे की क्रिकेट भी बेहतर नज़र आ रही है। थैंक यू एवरीबॉडी।